वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आर्थिक सर्वेक्षण देश के सामने पेश कर दिया, जिसमें वित्त वर्ष 2022-23 का पूरा लेखा जोखा था और उसी के आधार पर आने वाले वित्त वर्ष के लिए सरकार ने अपने टारगेट भी सेट कर दिए। अमृतकाल की थीम पर पेश हुआ आर्थिक सर्वे कई उम्मीदों को पंख लगा रहा है, जिसमें पिछले साल के अनुभवों और सफलताओं का पूरा हिसाब किताब दर्ज तो आने वाले बजट की स्वर्णिम तस्वीर भी उभर कर सामने आई। इस आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश के आर्थिक हालातों को जनता के सामने रखा, जिसमें सबसे अहम था GDP की ग्रोथ रेट। देश के आर्थिक हालातों की सबसे पहली तस्वीर उस देश की GDP की ग्रोथ रेट तय करती है, वो भी ऐसे वक्त में जब एक बार फिर से कोरोना का संकट मंडरा रहा हो, रूस यूक्रेन युद्ध से कई क्षेत्र प्रभावित हो चुके हों और तो और कई देश महंगाई की मार झेल रहे हों। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए कहा, 2023 और 24 में GDP की ग्रोथ रेट 6 से 6.8% रहने की उम्मीद है। वहीं चालू कारोबारी सत्र में 7% ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है और ये उम्मीद ऐसे वक्त में जताई गई है जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट दर्ज की जा रही है। फिर भी भारत की ग्रोथ रेट कई देशों की तुलना में बेहतर है। इसके पीछे वित्तीय वर्ष 2022-23 में कई उपलब्धियों ने अहम भूमिका निभाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि भारत कोरोना महामारी से तेजी से उभरा, शहरों में बेरोजगारी कम हुई, वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र पर ज्यादा निवेश हुआ और कृषि क्षेत्र में निजी निवेश में बढ़ोतरी दर्ज की गई। लेकिन इसके साथ ही नए वित्त वर्ष के लिए नए टारगेट भी सरकार तय करने वाली है, क्योंकि पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, जो संकट के कई समंदरों को साहस के साथ पार करता चला गया है। किसी भी बजट का सीधा असर मिडिल क्लास पर सबसे ज्यादा पड़ता है, जिसे इस बजट के जरिए राहत मिलने की बहुत उम्मीदें हैं, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स में छूट का होगा। मिडिल क्लास की ये उम्मीद है कि 3 लाख तक की आमदनी को टैक्स फ्री कर दिया जाए। वहीं उम्मीद मिडिल क्लास ये भी कर रहा है कि होम लोन पर लगने वाले ब्याज में भी उसे राहत इस बजट में मिल जाए। मिडिल क्लास ये भी उम्मीद जाहिर कर रहा है कि सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा को 1.5 लाख तक बढ़ा दिया जाए, साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को भी बढ़ाकर 1 लाख कर दिया जाए। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के इस बजट से देश के हर वर्ग को उम्मीद है, लेकिन जिस तरह से पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से बिजनेस सेक्टर को नुकसान पहुंचा है, उनकी उम्मीद है कि सरकार उन्हें इस बजट में बड़ी राहत दे सके। आम बजट तैयार हो चुका है, बस उसका ऐलान बाकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन संसद में जब इस साल के बजट को पेश करेंगी तो सारे देश की निगाहें उन पर होंगी। वैसे तो इस बजट से सबको बहुत उम्मीद है, लेकिन इसे व्यापारी वर्ग जरूर टकटकी लगाए देखने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को जो गहरा धक्का लगा है, उससे उबरने के लिए बजट बहुत मददगार साबित हो सकता है। भारत में बड़े उद्योगों के अलावा बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो छोटे उद्योगों पर निर्भर है, जिनमें धर्मनगरी वाराणसी के लकड़ी उद्योग से जुड़े लोग भी शामिल हैं। उनकी उम्मीद है कि सरकार उनके इस काम में अगर थोड़ा ध्यान और दे तो वाराणसी की इस कला को दुनिया भर में पहचान मिल जाएगी। लकड़ियों का कोई डिपो बने, जिससे हम लोगों की उचित मूल्य पर लकड़ियां उपलब्ध कराई जाए। कोई ऐसा सेंटर बने जहाँ पे सारे आर्टिस्ट इकट्ठा हो, जुड़े और एक दूसरे का कला को सीखें, ताकि मात्रा संख्या बढ़े। कुछ ऐसी ही उम्मीदें गुजरात के व्यापारी वर्ग को भी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाने जाने वाले सूरत के व्यापारियों ने उम्मीद जताई कि अगर उन्हें टैक्स में राहत मिलती है तो ये उनके लिए तो फायदेमंद होगा ही, साथ ही निर्यात के नजरिए से भी भारत की आमदनी को बढ़ाने वाला होगा। ड्यू टू कोविड व्यापार धंधा नहीं चल रहा, तो उतना हम लोग अच्छे से नहीं कर पा रहे उसके अंदर। और दूसरा डिजिटल आ गया कुछ मार्केट में, थोड़ा उसकी वजह से कुछ उसने अपनी जगह बनाई, एम्ब्रॉयडरी की जगह, कुछ रेपियर जैकार्ड ने अपनी जगह बनाई, तो थोड़ा थोड़ा सब में डिवाइड हो गया काम। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, बट अपने आप को अपग्रेड करना भी बहुत जरूरी है, तो उसके लिए हमारे को फंडिंग वगैरह सब्सिडी वगैरह की रिक्वायरमेंट है।
उधर असम में चाय का व्यापार करने वाले व्यापारियों ने चिंता जताई कि अगर सरकार ने उन्हें बैंकों की मदद से लोन लेने में रियायत न दिलाई तो निर्यात प्रभावित हो सकता है। उनकी शिकायत है कि कोरोना के वक्त इस व्यापार की कमर टूट गई। हम लोग चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों को एक डेवलपमेंट फंड जरूर बैंकों से दिलाए ताकि हम लोगों का मॉडर्नाइजेशन जो अभी तक टी इंडस्ट्री में नहीं हुआ है मॉडर्नाइजेशन करना जरूरी है। इसके अलावा एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो हर रोज शेयर बाजार में पूंजी लगाता है, उन्हें भी बजट से काफी उम्मीद है। हालांकि शेयर धारकों की उम्मीद है कि इस साल का बजट उनके लिए भी राहत की खबर लेकर आएगा। ज्यादा उम्मीदें हैं जिनमें सबसे बड़ी उम्मीद मिडिल क्लास की इस वक्त यही है कि उसको इनकम टैक्स में कम से कम राहत मिलनी चाहिए। इसके साथ ही मिडिल क्लास के लोग चाहेंगे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को भी उनके लिए बढ़ा दिया जाए। वहीं एक उम्मीद होम लोन को लेकर भी है कि जो ब्याज है उसमें छूट दी जाए। साथ ही उन्हें भरोसा ये भी है कि सरकार टैक्स में मिलने वाली बेसिक छूट की सीमा को भी बढ़ा देगी और इसके अलावा सेक्शन 80C और 80D के तहत मिलने वाली छूट भी बढ़ सकती है। मिडिल क्लास की सरकार से ये भी मांग है कि बच्चों की शिक्षा में लगने वाले टैक्स में भी छूट दी जाए। वहीं ऐसे उपाय भी किए जाएं जिससे महंगाई से उन्हें राहत मिल सके। तो बजट से हर वर्ग की अपनी उम्मीदें हैं। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोग भी बजट से खास मिलने की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि कोरोना काल के दौरान अगर सबसे ज्यादा प्रभाव किसी क्षेत्र पर पड़ा है तो वो पर्यटन क्षेत्र ही रहा है। लेकिन भारत में टूरिज्म सेक्टर सबसे तेजी से उभर रहा है। कोरोना काल का वो भयावह दौर जब सब कुछ रुक गया था, बस ट्रेन प्लेन सब जहां के तहां खड़े हो गए थे और जिनके चूल्हे सिर्फ पर्यटकों के आने से ही जलते थे वो परेशान हो गए थे। लेकिन पूरी दुनिया के मुकाबले भारत बड़ी तेजी से पर्यटन क्षेत्र में संकट से उभरा, जिसकी गवाही आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट देती है, जिसमें बताया गया कि 2022-23 में पर्यटन क्षेत्र में सुधार हुआ, विमानों की आवाजाही तेजी से बढ़ी, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बहाली हुई। अप्रैल से नवंबर 2022 में विमानों की आवाजाही 52.9% बढ़ी। मोदी सरकार की तरफ से लिए गए फैसलों की वजह से पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोग बेहद खुश नजर आए और आने वाले बजट को लेकर अपनी अपनी उम्मीदें सामने रखी। जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है इसको कॉन्स्टिट्यूशन की कंकरेंट लिस्ट में रखा जाए ताकि जो टूरिज्म है वो एक नेशनल एजेंडा जो है वो उसके तौर पे इसको प्रमोट किया जाए। बहुत सारी उम्मीदें सरकार से लगाए बैठे हैं और अच्छी बात है कि अब बजट पेश हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। मगर सरकार हमारे बीच क्या ध्यान देती है वो देखना एक बहुत जरूरी हो गया। सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों की उम्मीदों को कितने पंख लगते हैं ये तो बजट पेश होने के बाद पता चलेगा। और उधर कोरोना की वजह से पिछले 2 साल में मेडिकल सेक्टर में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। वहीं सरकार का फोकस भी देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि बजट में सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक बड़ी रकम मुहैया करा सकती है जिसके जरिए देश में स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की जा सके। और इसके अलावा अलग से महिलाओं और बच्चों से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए फैसला भी इस बजट में लिया जा सकता है। वहीं उम्मीद ये भी है कि देश के अस्पतालों में जांच का खर्च कम करने और दवाइयों की सुविधा बढ़ाने के बारे में भी सरकार इस बजट में फैसला ले सकती है। वहीं बजट पेश होने के करीब 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया और वो बयान ये था कि इस बजट पर देश की नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें हैं। आखिर इसका मतलब क्या है, क्यों पूरी दुनिया की निगाहें भारत के बजट पर टिकी हुई हैं? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है।
भारत के बजट पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये क्यों कहा कि भारत के बजट की तरफ पूरी दुनिया उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है? दरअसल यूरोप, अमेरिका और चीन में चल रही आर्थिक गिरावट ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर रखा है और एकमात्र भारत ही वो देश है जो लगातार दुनिया की अर्थव्यवस्था की सेहत को सुधारता हुआ नजर आ रहा है। आंकड़ों से ये बातें और साफ हो जाती हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पूरी दुनिया की विकास दर 2023 में सिर्फ 1.7% के आसपास रहने वाली है, जबकि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक मामलों के विभाग के रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत 2023 में 6.7% की विकास दर से आगे बढ़ेगा, यानी नेगेटिव में जा रही दुनिया की अर्थव्यवस्था को भारत ने पॉजिटिव किया है। भारत ने दुनिया की विकास दर को संभाला है। वर्ल्ड बैंक ने पहले अनुमान लगाया था कि दुनिया 3% की आर्थिक विकास दर से बढ़ेगी, लेकिन चीन में कोविड की वजह से वर्ल्ड बैंक ने दुनिया की आर्थिक विकास दर का अनुमान घटाकर 1.7% कर दिया। यानी ड्रैगन दुनिया को डुबोने में लगा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ने दुनिया की आर्थिक विकास दर को दुरुस्त किया है। इसलिए दुनिया में साख निर्धारित करने वाली अमेरिका की कंपनी S&P ने सितंबर 2022 में भारत को लेकर टिप्पणी की थी कि वैश्विक मंदी के दौर में भी भारत चमचमाता हुआ सितारा है, और इकोनॉमिक सर्वे में तो भारत सरकार की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है कि भारत ने कोरोना के दौरान अर्थव्यवस्था में हुई गिरावट को खत्म किया है, यानी अर्थव्यवस्था की रिकवरी हो गई है, भारत अब तेजी से आगे बढ़ने वाला है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इंपर्सोनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 Streaming 3rd February 9 p.m.